मैंने कहा ना मैं नहीं जाती। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? मैं नहीं जाएगी, मैंने चल बाहर निकलो। मैंने तुझे बोला था ना कि रूम में मत आया कर, बाहर चल। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू कमरे में मत आया कर? मैं तो खाना ही तो देने आई थी, वैसे तो नहीं आती ना। एक तो मैं तुझे समझा रहा हूँ, ऊपर से जुबान लड़ाती है। इसमें जुबान लड़ाने की क्या बात है, बताई तो रही हूँ। अच्छा तू बताएगी मुझे? दीदी क्यों मार रहे थे जर्सी, क्या हुआ? पता नहीं, मैं तो खाना ही तो देने गई थी। ऐसा तो नहीं किसी के सिकाय में आ रहे हो जर्सी? शायद इनके पास किसी का फोन आता है और उसके बाद ही वो गुस्सा हो जाते हैं। हेलो। हाँ जी ठीक है जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, एक बार खाना खा लूँ, खाना खा के बात करता हूँ आपसे। ठीक है जी। क्यों इतना मुझसे है खफा तू, मैंने ऐसी क्या खता, क्यों इतना मुझसे है जुदा तू, क्या तेरे दिल में है बता। मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपना। मैंने तुझे कल समझाया था ना, समझ नहीं आया? पहले चाय पी लो, बाद में गुस्सा हो गया। एक तो तूने सुबह सुबह अपनी मनोशक्ल मेरे को दिखा दी और ऊपर से बोल रही है गुस्सा मत करो। अगर इतनी मनोशक्ल थी तो शादी क्यों की थी? मैंने यही तो सबसे बड़ी गलती कर दी, तुझे शादी कर दी। चलो बाहर जाओ। हेलो। हाँ जी। आज सुबेरे सुबेरे मैंने उस मनोज का शक्ल देख ली, अब पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। एक काम करो, उसको ना अपने घर से मार के निकाल दो। पर कैसे निकालूं? उसको ना परेशान करके मार के घर से निकाल दो। ये बात तो तुम सही बोल रही हो, अब मैं ऐसा ही करूंगा। मैं ना आपसे बातें बात करती हूँ, तुम इसके काम में रहे, वो कर लो। ठीक है, ओके कर लो। ओके बाय। यार अब मैंने उससे ये तो कमिटमेंट कर दी कि मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगा, बट कौन सा ऐसा तरीका लूं कि भाई जिससे मैं उसको घर से बाहर निकालूं? अब क्या करूं मैं, उसको ना परेशान करने लग जाता हूं। पूजा एक गिलास पानी लेके आना। जी अभी लाई।
तुझे पता ना कि मैं कांच के गिलास में पानी पीता हूँ। देख तो लो, कांच का ही गिलास है। इसको गिराकर दूसरा पानी ले आओ। जा और लेके आ। ठीक है। जाओ और दोबारा लेके आओ। अब चाहते क्या हो? अभी बताऊं क्या क्या चाहता हूँ? हाँ, मुझे तुझसे तलाक चाहिए। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे इतनी बुरी सजा दे रहे हैं? अपना सामान ले और निकल जा यहाँ से। मैं नहीं जा रही, शादी करके आई हूँ, कोई भाग के थोड़ी आई हूँ। तू भगाने के लायक है जो मैं तुझे भगा कर लेकर आता? ये तो मेरी किस्मत फूट गई जो मैंने तुझसे शादी कर ली। चल अब निकल यहाँ से। मैं नहीं जा रही। तू नहीं जा रही? ऐसे कैसे नहीं जा रही? मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा घर यही है, मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने बोला ना, मैंने कहा ना मैं नहीं जा रही। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? मैं नहीं जा रही, मैंने बोला ना मैं। चल बाहर निकलो। ये पकड़ अपना बैग और निकल यहां से। अच्छा हुआ अब वो मेरी ज़िंदगी से निकल गई। चलो ठीक है, अब मैं प्रीति को फ़ोन करता हूँ और उसको बताता हूँ कि भाई मैंने उसको निकाल दिया। हेलो, हाँ प्रीति, मैंने उसको निकाल दिया अपने घर से बाहर। सही किया आपने, उसको निकाल दिया। ऐसा करो तुम आ जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुमने क्या सोचा, मैं तुम तो शादी करूंगी। पर मैंने तुम्हारे ही कहने पर अपनी पत्नी को तलाक दिया है। क्या पागल हो, तो तुमसे शादी करूंगी? जब तुम अपनी पत्नी के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे? फोन रखो और आज के बाद कॉल करने की जरूरत नहीं है। माही सांसों में है, माही है मुझे, है तेरा अरमां, है तुझे है मेरा बनना, हर घड़ी तेरे दिल में आहट, तू मिले मिल जाए राहत, जुड़ के भी तू मुझसे जुदा सा, मिलके भी तू क्यों है खफा सा, आजा मेरी बाहों में आ जा रे माही, आ जा रे माही, आ जा रे। अंकल आंटी हमारे घर पे हैं और बहुत रो रही हैं। अच्छा चलो, आपको मेरी कसम है आप आंटी को कुछ भी नहीं कहेंगे। चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलो, छोटी बातों का ऐसे नहीं यारा, ये प्यार चलता।
अपना घर बिगाड़ लेते हैं और जिसके लिए घर बिगाड़ते हैं वो भी हमारा अपना नहीं होता। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दूसरों के बहकावे में ना आकर अपना घर ना बिगाड़ें।